Hello everyone, this is Manish Jaiswal from Aspiring Life. पहले मैं सबको बोलना चाहूँगा कि नीट का रिजल्ट आने वाला है, सबको ऑल द बेस्ट. सबका जो भी रिजल्ट हुआ है उसके लिए सब तैयार रहें, होपफुली सबका अच्छा रिजल्ट होगा. मैंने कभी वीडियो इस तरह से बनाया नहीं. ऑब्वियसली मैंने कई स्टूडेंट्स को काउंसिल किया है फेस टू फेस, बट मैं पहली बार एक वीडियो के थ्रू कई स्टूडेंट को रीच करना चाहता हूँ. बट आप सोच ही सकते हैं, बहुत लोगों ने मुझे बोला था कि वीडियो करो, बहुत लोग बोलते हैं मत करो क्योंकि वीडियो के कंटेंट क्या होंगे. डायरेक्टली स्टूडेंट को बोलता हूँ तो बहुत कुछ क्लियरली बता पाता हूँ, लेकिन अगर बहुत सारी चीज़ें मैं ओपनली बताऊँ तो बहुत सारे कंसल्टेंट जो मेरे फ्रेंड भी हैं उन लोगों को बुरा भी लग सकता है. बट फाइनली मुझे ये लगा कि जो अभी इस साल हो रहा है इस इंडस्ट्री में, एजुकेशन कंसल्टेंसी के इंडस्ट्री में, वो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है. और मुझे फाइनली लगा कि मुझे सच बताना चाहिए, लोगों को सच बताना चाहिए. वैसे मैं पहला इंसान नहीं हूँ जो ये सच बताने जा रहा हूँ. ऑलरेडी ये सच न्यूज़ में आ चुका है. आज एक न्यूज़ के कटिंग जो पीछे में आप देख सकते हैं डिस्प्ले हो रही है, उसमें आपको क्लियरली लिखा हुआ है. तो ये सच है क्या? ये सच ये है कि 5 जून के बाद कोई भी बच्चा अगर इंडिया से बाहर पढ़ने जाता है तो उसके लिए नीट का एग्ज़ाम पास करना मैंडेटरी है. नीट का कट ऑफ आपको उसी दिन पता चलेगा 5 जून को कि कितना मार्क्स आने पे वो क्वालिफाई हुआ या नहीं हुआ. लेकिन कई सारे एजेंट्स को पता है ये उनके पास लास्ट मौका है लोगों को कुछ भी करके फंसाने का. लोग मतलब हमारे स्टूडेंट्स जो नीट का एग्जाम इस साल दे रहे हैं. अब उनको फंसाया कैसे जा रहा है? बहुत सारे स्टूडेंट जो ये देख रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं से किसी ना किसी एजेंट ने फ़ोन किया होगा या किसी से मिले होंगे. अगर वो ओवरसीज़ मेडिकल के बारे में जानना चाहते हैं तो उनको बोला गया होगा कि आप अभी जा सकते हैं और मेडिकल पढ़ सकते हैं 5 जून से पहले, क्योंकि MCA ने भी यही बात बोला है. और इस तरीके से कईयों का एडमिशन हो जा रहा है चाइना में, यूक्रेन में, किर्गिस्तान में, रशिया में, और भी जो भी कंट्री, बांग्लादेश है, जो भी कंट्रीज हैं. बट मैं उन सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो एडमिशन का कहानी है इसमें बहुत बड़ा एक स्कैम चल रहा है. स्कैम क्या है ये मैं सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ, न्यूज़ में भी आप प्रॉपरली पढ़िए. ये न्यूज़ का लिंक मैं नीचे आपको यूट्यूब के नीचे दे देता हूँ, आप उसको भी क्लिक करके आप देख सकते हैं. ये स्कैम ये है कि बच्चों को MCA ने बताया है कि आप अगर मेडिकल पढ़ना चाहते हैं अब्रॉड जा करके तो आपको 5 जून से पहले मेडिकल में एडमिशन लेना होगा, ना कि प्रीमेड में. प्रीमेड क्या है? प्रीमेड एक कंसल्टेंट्स के द्वारा बनाया गया एक कोर्स है कॉलेज के साथ मिलके, जिसमें वो बच्चों को कहीं लैंग्वेज, कहीं पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या किसी और नाम पे गुमराह करके एडमिशन करा दे रहे हैं. बोल रहे हैं कि बिना नीट के प्रीमेड में एडमिशन ले लो और आपको बिना नीट के 2019 के आपके जाके पढ़ सकते हो. ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, आप इससे बचें. बच्चे जो जाएंगे लैंग्वेज पढ़ने या कुछ और कोर्स करने, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्री जैसे यूक्रेन, रशिया, किर्गिस्तान, इन सब जगहों पे, चाइना, इन सब जगहों पे मेडिकल का कोर्स स्टार्ट होता है सितंबर के मंथ से, उससे पहले नहीं होता. तो जून के मंथ पे अगर आप जा रहे हो June 5 से पहले, तो आप मेडिकल का कोर्स स्टार्ट नहीं होने वाला, यह बात आप 100% जानते हो. बट किसी भी प्रीमेड के नाम पे कोई टूरिस्ट वीजा पे चला जा रहा है, कोई बिजनेस वीजा पे चला जा रहा है, स्टूडेंट वीजा पे भी कुछ जा ही सकते हो, लेकिन वो मेडिकल एडमिशन में नहीं जा रहे. और ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, इससे बचना पड़ेगा आपको. इसको बचने के लिए मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगा कि अगर आपने अभी भी एडमिशन ले लिया है और आपका कंसल्टेंट अभी भी बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा कोई इशू नहीं है, आप जा सकते हो, आपको 2 काम करना है. पहला, उस कंसल्टेंट या जिससे भी आप एडमिशन ले रहे हैं उनको बोलना है कि आपका MCA एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो आपका MCA देती है वो आपको 5 जून से पहले, मतलब आपको फ्लाई करने से पहले उसको देना पड़ेगा उस मेडिकल कॉलेज के नाम पे. अगर आपको ये मिल जाता है तो आप चाहिए, क्योंकि कुछ कंट्रीज है जहां पर एडमिशन मेडिकल क्लासेस स्टार्ट होती है अप्रैल, मई, जून से, जैसे मॉरिशस है और भी कुछ कंट्रीज है. मैं एग्जैक्टली सबका तो करिकुलम को नहीं जानता हूं, बट अगर आपका MCA एलिजिबिलिटी मिल जाता है तब आप आराम से जा सकते हैं. तो आप उसको बोलिएगा कि भाई अगर मेरा 2019 में एडमिशन होता है आप मुझे मेरा MCA एलिजिबिलिटी दिलवाओ, तब मैं जाऊंगा बिना नीट के, वरना आप बिना नीट के ना जाएं.
इसके साथ मैं वीडियो एंड करूंगा और इस न्यूज को आप फॉलो करिए। इस न्यूज में भी आप हिंदी में लिखा हुआ है, राजस्थान पत्रिका में आया हुआ है, इसका क्लिक करके आप देख लीजिए, लिंक पढ़ लीजिए और खुद भी आप एमसीआई को कॉल कर सकते हैं, डिटेल जान सकते हैं। थैंक यू। इस टाइप की और भी इंफॉर्मेशन मैं आगे देने वाला हूँ। अभी तक मैं ये सारे इन्फॉर्मेशन फेस टू फेस ही कई सेमिनार्स कई जगहों पे एजुकेशन फेयर में पार्टिसिपेट करके देता था। अब मैं सोच रहा हूँ मैं यूट्यूब के थ्रू बहुत सारे लोगों से जुड़ सकता हूँ। राइट इन्फॉर्मेशन अगर मुझे है मुझ में मैं कई जगह आईटीआई वगैरह फाइल भी करता हूँ, इन्फॉर्मेशन सीख करता हूँ। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, नीचे बेल आइकन है उसको दबाइए, सब्सक्राइब करिए। आपको बेल आइकन दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? सिर्फ मेरे व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, फ्यूचर में मैं कैसे कैसे वीडियोस बनाने वाला हूँ उसका मैं आपको जिस्ट देता हूँ। जैसे अभी तक सभी के पास एक डेटा है कि एमसीआई पासिंग रेट 2014 तक कितना है, 2012 और 14 तक। मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियोस में 2017 तक एमसीआई पासिंग रेट फॉर ईच एंड एवरी कंट्री फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम। मैं और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें एमसीआई पासिंग रेट टॉप 5 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कौन कौन सी है। और भी ऐसे टाइप के वीडियोस बनेंगे जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यों एक कंट्री या कुछ कंट्री जो टॉप 5 में है उनकी एमसीआई पासिंग रेट कंपेयर टू अदर कंट्री हाई है और दूसरे में कम है। देखिए मैं ये अपने सारे वीडियोज जो बनाऊंगा वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा, हो सकता है उसमें कुछ गलत भी हो। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं या कोई कंसल्टेंट या कोई मेरे से सीनियर हो जिनको लगता है मेरे बातों में कुछ कमी है या कुछ गलत है, आप कमेंट करिए, आप मुझे रेक्टिफाई करने के लिए बोलिए, आप चाहे तो मुझे फोन करके मुझसे आर्ग्यू करिए ताकि उस आर्ग्यूमेंट में फायदा उन बच्चों का हो जो हमारे दो एडुकेटेड लोगों को लड़ता हुआ देख करके राइट इन्फॉर्मेशन सीख कर सकें। क्योंकि हो सकता है मेरे इन्फॉर्मेशन में कुछ ना कुछ कमी रही गई हो और आपके पास कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। स्पेशली मैं उनको बोल रहा हूँ जो दूसरे एजुकेशन कंसल्टेंट जो सच में चाहते हैं बच्चों का भला हो, वो अगर उनको लगता है कि मेरी बातों में कुछ कमी है या कुछ गलत है या कुछ अपडेट करना चाहिए, आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप प्लीज़ कमेंट करिए और मुझे कॉल करिए, मुझे बताइए, मैं रेक्टिफाई करूंगा और विथ प्रूफ। क्योंकि मैं जितने भी वीडियोस बनाता हूं और जो भी वीडियोस मैं आगे बनाऊंगा मैं आपको सब चीज़ों का प्रूफ दूंगा। मैं ये वीडियो बहुत पहले बनाना चाहता था लेकिन समहाउ मुझे लगा कि मैं अगर बनाऊंगा सबको लगेगा कि मैं गलत स्प्रेड कर रहा हूं इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैं ऐसी कंट्री नहीं करता जहां प्री मेड कोर्सेज होती है। इस टाइप के और भी कई तरह के फेक चीज़ें हो रही है, इन सबको मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से उससे बचना है। और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रिलीज करूंगा ऑन 5th जून। वो वीडियो क्या होगी? उस वीडियो में मैं ऐसे 5 क्वेश्चंस बताऊंगा जो आप अपने कंसल्टेंट से पूछिएगा। आप किसी भी स्टेट ऑफ इंडिया से हो, किसी भी सिटी ऑफ इंडिया से हो, किसी भी कंट्री में अगर जाना चाहते हो, अगर आप अब्रॉड MBBS के बारे में जानना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि आप जिस कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं वो सच्चा इंफॉर्मेशन देता है कि नहीं, वो आपको सच बताता है कि नहीं, या वो इंफॉर्मेशन या वो कंसल्टेंट जिससे आप बात कर रहे हैं वो उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या वो सच में एजुकेशन कंसल्टेंट है या वो एडमिशन एजेंट है, ये सब जानने के लिए 5 ऐसे क्वेश्चन जो आप किसी से भी पूछेंगे उसके आंसर्स अगर आपको राइट मिलते हैं तो आप जज कर सकते हैं वो कंसल्टेंट सच्चा है और वो जिस कंट्री या जहां भी आपको भेज रहे हैं वो सही है। ये 5 क्वेश्चन मैं 5 जून को आपको लेकर के आऊंगा। उस वीडियो को भी देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।